पंजाब की टीम को हराकर चेन्नई की टीम ने एक नया स्टाइल स्टेटमेंट दिया है। स्टाइल स्टेटमेंट है पॉइंट्स टेबल में एक लंबी छलांग लगाने का और प्लेऑफ में क्वालिफाई करने का। मतलब अभी क्वालिफाई किया नहीं है लेकिन उसके बहुत करीब पहुंच गए हैं। तो आईपीएल 2024 अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है और अब जो क्वालिफाई करने की ये प्लेऑफ में सीटें हैं ख़त्म होती जाएंगी धीरे धीरे। राजस्थान तो क्वालिफाई कर चुका है लेकिन अभी भी वो तीन नाम आने बाकी हैं जिसमें से टॉप नॉच नाम केकेआर की टीम का है और अब चेन्नई की टीम बिल्कुल ठीक उनके नीचे आ गई है। तो 53वां मैच था, चेन्नई की टीम को हर हाल में जीतना था, एक मच नीडेड जीत उनके लिए होनी थी इस मैच में, लेकिन पंजाब की टीम ने धर्मशाला में आते ही गेम को पलट दिया। चेन्नई की टीम एक लो स्कोर बनाएगी ये किसी ने सोचा नहीं था और ऑलमोस्ट 100-120 तक पहुंचते वो अपने 6 विकेट गवा चुके थे। सबको लग रहा था कि फिनिश करने एमएस धोनी आएंगे तो कुछ बड़ा हमें दिख सकता है, 4 बॉल 16-17 रन मिल जाएं, लेकिन वो हो नहीं पाया। और इस बीच में बैटिंग ऑर्डर में सबसे ज़्यादा जान डाली द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑलराउंडर्स रविंद्र जडेजा ने, जो वर्ल्ड कप स्क्वाड का भी हिस्सा है। और मुझे लगता है पर्सनली कि रविंद्र जडेजा जो तीनों ऑलराउंडर्स हमारी इंडियन टीम में भी हैं उसमें सबसे फाइनेस्ट फॉर्म में चल रहे हैं, क्योंकि आज जिस तरीके से आप देखें उन्होंने बैटिंग में भी उनके आंकड़े शानदार थे और जब 6 विकेट हो चुके थे उसके बावजूद भी जडेजा के बल्ले से रन रुके नहीं थे। इनफैक्ट 26 गेंदों में 3 चौके 2 छक्के और 43 रन की उनकी इनिंग रही थी। इनफैक्ट यही वो इनिंग थी जो चेन्नई की टीम को उठाकर इस 120 के स्कोर से 167 तक ले गई और 168 का एक ठीक ठाक टारगेट दिया गया। वैसे धर्मशाला के मैदान में बहुत ज़्यादा मैचेस इस सीज़न में हुए नहीं हैं तो ये टारगेट पिछले मैचेस के लिहाज से ठीक था। और इसे डिफेंड करने के लिए पीछे तो सबसे बड़े क्रिकेटर, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द रियल गोट एमएस धोनी थे ही। विकेट के पीछे से गेंदबाजों के साथ उन्होंने खूब खेल खेला और ट्रैप किया पंजाब की टीम को। अर्ली विकेट्स पंजाब की टीम के मिल चुके थे तुषार देशपांडे ने, दूसरे ओवर में ही जॉनी बेस्टो को आउट किया, राइली रॉसो को आउट किया, उसके बाद एक अच्छा खासा पिकअप मिल गया था चेन्नई की टीम को और फिर तो बैक टू बैक विकेट्स मिलते चले गए, जिसके बाद पंजाब की टीम कहीं ना कहीं मोमेंटम लूज कर चुकी थी और कंफर्म हो चुका था कि चेन्नई ही इस मैच को जीतेगी। और इस बीच में रविंद्र जडेजा ने बैक टू बैक 3 विकेट्स भी निकाले और ये कोई ऐसे वैसे विकेट्स नहीं थे। प्रभसिमरन जो 30 रन लगा गए वो रविंद्र जडेजा के हाथ आउट हुए, सैम करन के हाथ आउट हुए, आशुतोष शर्मा द ग्रेट फिनिशर उनके हाथ आउट हुए। तो कुल मिलाकर चेन्नई की टीम के लिए एक इजी विन थी लेकिन एक मच इम्पॉर्टेंट विन थी। और इसी जीत के साथ अब प्लेऑफ का रास्ता पूरी तरीके से साफ हो चुका है, खुल चुका है, बिकॉज इस मैच से पहले अगर हम पॉइंट्स टेबल आपके सामने रखें तो चेन्नई की टीम 6th पोजीशन पर थी लेकिन एक लंबी छलांग जैसा कि मैंने आपको बताया 3री पोजीशन पर अब चेन्नई की टीम आ चुकी है। और अभी भी चेन्नई की टीम के पास 3 मैचेस बचे हैं, इस टीम के पास अब 12 पॉइंट्स हैं, यानी कि जीतने के लिए 2 ही मैच काफ़ी हैं, 16 अंक हो जाएंगे और इजिली इनके लिए एक सीट रिजर्व हो जाएगी। लेकिन एक ट्विस्ट भी है क्योंकि आपको दुआ करनी होगी कि अगर चेन्नई की टीम को एक कंफर्मेशन के साथ पहुंचना है तो बाकी कंपेटिटिव टीम्स को हारना भी पड़ेगा, क्योंकि अगर आप भी नजर डालें तो एलएसजी और हैदराबाद की टीम भी ऑलरेडी 12-12 पॉइंट्स पर है और इनके 4-4 मैचेस अभी बाकी है। इनफैक्ट कोलकाता की टीम के भी 4 मैच बाकी हैं, उनके तो 2 पॉइंट्स और ज्यादा है। तो अगर ये टीमें सारे मैचेस ही जीत गई तो चेन्नई की टीम कहीं ना कहीं पीछे हो जाएगी, तो इसलिए एलएसजी या फिर एसआरएच को कुछ कुछ मैचेस अपने हारने होंगे और चेन्नई की टीम को भी अपने सारे मैचेस जीतने चाहिए। हालांकि नेट रन रेट के मामले में चेन्नई की टीम कोसो आगे है जो आपके सामने इस समय स्क्रीन पर है। तो चेन्नई की टीम के लिए अच्छी खबर यह है कि प्लेऑफ में कहीं ना कहीं उनकी सीट अब बन चुकी है और जडेजा की ये ऑलराउंडर वाली परफॉर्मेंस ना केवल आईपीएल बल्कि वर्ल्ड कप के लिहाज से भी काफ़ी ज़्यादा सॉलिड लग रही है। तो चेन्नई की टीम की जीत के हीरो हैं रविंद्र जडेजा, उनकी परफॉर्मेंस को कितने नंबर देंगे आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही हमें YouTube पर सब्सक्राइब एंड Facebook पर फॉलो कर लीजिए। थैंक यू।